गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज नरेंद्र कौर फ्रॉम यूपीएस क्रालगुंड बेटा वी आर डिस्कसिंग अवर टॉपिक डायलॉग राइटिंग इन द प्रीवियस टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड विद यू द स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव डायलॉग राइटिंग किस तरीके से हम अच्छी डायलॉग राइटिंग लिख सकते हैं सो आज परसों वो जो स्टेप्स मैंने आपको लिखाए थे आई होप दैट यू यू कैप्चुलेट दैट पॉइंट्स नाउ इम्प्लीमेंट दिज पॉइंट्स इन राइटिंग दिस डायलॉग राइटिंग विद मी सो आज क्या है आज मैंने वही पॉइंट्स आप दिमाग में रखो और आज हम लिखेंगे कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ बुक सेलर बुक सेलर कौन होता है बुक सेलर होता है बुक्स बेचने वाला तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे यू हैव टू रिकेपचुलेट दैट पॉइंट एंड यूज दिस पॉइंट्स इन दिस राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बुक सेलर हाउ बुक सेलर एक्सक्लेमेशन हाउ मे आई हेल्प यू नोट ऑफ इंटरागेशन डू यू वट टू बाय अ बुक ये कौन पूछता है ये बुक सेलर के पास जाता है स्टूडेंट तो बुक सेलर कैसे बात करता है बुक सेलर क्या बोलता है बुक सेलर हाउ में आई हेल्प यू डू यू वॉन्ट टू बाय ए बुक तो स्टूडेंट क्या जवाब देता है हम लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट ठीक नो अंकल स्टूडेंट बिल्कुल नो अंकल शॉर्ट फॉर्म नो अंकल I don't want them. Then मुझे अभी ये बुक नहीं चाहिए I don't want या लिखेंगे हम इसको I don't want to buy book मैं किताब अब ख़रीदना नहीं चाहता I don't want to buy book बुक सेलर क्या बोलता है फिर बुक सेलर ठीक है बेटा वट डू यू वॉन्ट क्या पु... तो यही पूछेगा ना वट डू यू वैन तो अभी आपको क्या चाहिए वट डू यू वॉन्ट धैन तो अभी आपको क्या चाहिए तो स्टूडेंट क्या जवाब देता है क्या जवाब देगा अगर आप आपको इमेजिन करना है कि यू आर ए वो ये जो है कैरेक्टर है वो इसके साथ बुक सेलर दुकानदार है और जो स्टूडेंट है आप आप खुद को इमेजिन करेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है फॉर एफेक्टिव डायलॉग राइटिंग में जो मैंने पहला पॉइंट कल आपको बताया कि आपको वो जो इमेजिन करना है वो जो कैरेक्टर है कन्वर्सेशन में वो आप एक कैरेक्टर आप खुद हो तो स्टूडेंट क्या, आप क्या बोलोगे आगे से आई एक्चुअली वांटेड टू चेंज दिस बुक में ये किताब चेंज करना चाहता हूं कौन बोलता है ये आप बोल रहे हो तो आपको बुक सेलर फिर क्या बोलता है When डिड यू बाय दिस बुक When did यू बाय दिस बुक आपने ये किताब कब खरीदी ठीक है ना जब आप किसी चीज़ को वापस करने के लिए जाते हो तो आपको वो पूछेगा ही भाई आपने ये कब खरीदी तो स्टूडेंट क्या बोलता है आपको आप क्या बोलते हो बुक सेलर से आए बॉट एट टू डेज बिफोर यानी दो दिन पहले मैंने खरीदी आप ये भी बोल सकते हो वन डे बिफोर थ्री डेज बिफोर जो आपको उस वक्त याद दिमाग में आएगा लिखने एग्जाम में लिखने के वक्त तो आप ऐसे ही लिखोगे आई बॉट इट टू डेज बिफोर बुक सेलर बुक सेलर क्या बोलता है कितने की खरीदी यही बोलेगा फॉर हाउ मच आई एम यू सार हाउ मच कितने की नोट ऑफ इंट्रागेशन क्योंकि ये सवाल पूछता है तो स्टूडेंट क्या जवाब आप क्या जवाब दोगे फॉर टू हंड्रेड रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ ये कोई मैटर नहीं करता है टू हंड्रेड रुपीज़ ठीक है फिर बुक सेलर बुक सेलर डू यू क्या आपके पास कुदरती उससे पूछेगा डू यू हैव ए रिसीट आर ई सी ई आई पी टी रिसिप्ट इसको हम पहले पढ़ते थे लेकिन अब इसे रिसीट पढ़ा जाता है फॉर द परचेज जो आपने ये बुक खरीदी है क्या आपके पास कोई रिसीट है स्टूडेंट Yes, uncle. Here it is. क्या बोलता है स्टूडेंट यानी आप क्या उसको बोलते हो हाँ अंकल ये लीजिए रसीद ठीक है ये है हमारी कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड ए बुक सेलर अब आपको ये अच्छे से आ गई होगी आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर देंगे ओके बेटा थैंक यू